बसमिल मैं असलम आपका मेज़बान सादु शाकराम आबाद से कुछ ताज़ा तरीन इतलात और हम ख़बरें आपसे शेयर करते हैं क्योंकि बहुत ही सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ती जा रही है सिर्फ तब्दील नहीं हो रही बिगड़ती जा रही है पाकिस्तान की सियासी सूरत हालशी सूरत हाल और सिक्योरिटी की सूरत हाल और इस सिलसिले में जो हुकूमत है चौदह जमाती तहात वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है बल्कि उसका सिर्फ़ एक ही एजेंडा है और उसकी एक ही प्रटी है एक ही तरजीह है और वह है कि किस तरीके से अपोजिशन uh, को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठिकाने लगाना है उनके लीडर उनके चेयरमैन इमरान खान को किस तरीके से रास्ते से हटाना है पोलिटिकली और अदरवाइज उन पर कातलाना हमला भी हो चुका है तो बहरहाल इस वक्त मामला कुछ अच्छे नहीं है बल्कि इंतहाई हर लम्हा गुजरता हुआ जो बिगड़ता जा रहा है और मैं अगर ये कहूँ कि सूरत हाल जो है वह आहिस्ता आहिस्ता मौजूदा सरकार के हाथ से निकलती जा रही है को बिल्कुल गलत नहीं होगा और इनके बारे में अब जो चीज़ें मज़ीद सामने आ रही हैं आ, कुछ और चीज़ें कुछ और इनकशाफ़ा आहिस्ता आहस्ता किए जा रहे हैं और एक नई जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के बारे में जनरल बाजवा और जनरल फैज के बारे में कि जनाब ये सहूलत कार थे और ये कारी करते रहे और ये बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत हुक्मर इतिहाद वजी दाखिला राना ना साहब विफाकी वजी दाखिला अब वो सारी पी सारी तोपों का रुख मोड़ रहे हैं दूसरी जानेब और उन्होंने वाजह तौर पर कह दिया कि जो पिछला खासतौर पे मरीम साहबा ने जब भावलपुर में कहा कि हमारा तो इकतदार ही 28 नवंबर के बाद शुरू हुआ है उससे पहले हमारा इकतदार ही नहीं था और विसाखियाँ जो थी दो इमरान खान साहब की वो हमने तोड़ दी यानी कि जैफ फैज साहब और जैन बाजवा साहब इनको अब वजी दाखिला ने एक बात कर दी है बाकायदा तौर पर गुफ्तु की है और उस सिलसिले में एक तरफ मैं डिटेल बताता हूँ कि उसका मकसद क्या है ये सारी गुफ्तु करने का मकसद क्या है क्या कोई बड़ा काम होने जा रहा है और सारा कुछ और ये कह किसको रहे हैं सुना किसको रहे हैं किसको प्रेशराइज करना चाहते हैं ये बुनियादी बात है और साथ साथ कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और वो ये है कि जन्म बाजवा साहब का ट्रायल जो है वो शुरू हो सकता है और जन्म बाजवा साहब को किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं आयन और कानून के शिकंजे में आ सकते हैं और इस सिलसिले में जब आप सटिंग वजीर दाखिला ऑन द रिकॉर्ड आके ये एक बात करेगा तो इसका मतलब यही है कि अगला स्टेप फिर आपके पास क्या है कि अगला स्टेप आपका क्या होगा उसकी वजह कि ये बातें तो बहुत पहले से सामने आ चुकी हैं और इसमें तो बेशुमार गवाहियाँ मौजूद हैं चौधरी परवेज अलाई साहब मोन सलाई साहब चौधरी शुजात साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वजरा विफाक वज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान साहब मुतहदा अकौमी मूवमेंट मौलाना सारे जितने भी हैं इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है चौदह uh, जमात इतहाद और दूसरी जान अपोजिशन ये सारे गवाहियाँ दे चुके हैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर ला चुके हैं कि ये जो रिजीम चेंज हुआ ये सारे सारा का सारा बाजवा साहब का किया धरा था और बाजवा साहब बरह रास्त इन्वॉल्व थे अब राना सना साहब ने एक और बात कर दी है और वो ये कि ये जो तहरीक चल रही थी रिजीम चेंज के बाद इमरान खान साहब की तो उनके सबसे बड़े सहूलत का बाजवा और जो फैस थे और हमें उन उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से ये सारी की सारी एहतरी तहरीक को कंट्रोल किया जा रहा था गाइडलाइन दी जा रही थी कि धरना कैसे आना है कहाँ पर रुकना है कितने दिन रुकना है ये सारी चीज़ें अब एक तरफ ये बातें की जा रही हैं और चार्ज शीट ये बुनियादी तौर पर चार्ज शीट है और चूँकि इस वक्त प्रेशर बहुत आ चुका है ख़ासतौर पे मौजूदा सरकार पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है और प्रेशर इसलिए आया है कि इनसे मामला संभाले नहीं जा रहे कोई भी नैरेटिव जो है वो इनका नैरेटिव जो है वो कामयाब नहीं हो रहा बल्कि उसको पज़ीराई ही नहीं मिलती कोई भी नैरेटिव लेते हैं वो पज़ीराई नहीं मिल रही और ये नरेटिव ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ ये लड़ाई जो चल रही है मेन मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, के दरमियान चल रही है ये दो मेन प्लेयर आपस में टकरा रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब भी बिल्कुल ख़्श साइड पर बैठे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल साइड पर बैठी है कोई एक्ट नहीं कर रहे वो खामोशी से तमाशा देख रहे हैं कि इन दोनों की दो बड़ों की लड़ाई में देखते हैं क्या बरामद होता है और वो इस चीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि इन दोनों के लड़ने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो, वो सबसे ज़्यादा गेन उसने करना है और उसके नंबर टू पे मौलाना फजल रहमान साहब गेन करेंगे क्योंकि ये आपस में टकराए हुए हैं और दो बड़े हाथी दो बड़े जो हैं मदमकबिल लड़ रहे हैं और अगर ये दोनों इस लड़ाई में बा हो जाते हैं सियासी तौर पर तो भी फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है मौलाना रहमान साहब को बाकी प्लेयर्स को है और नुकसान जो है नुकसान बुनियादी तौर पर वो होगा पाकिस्तान मथ्लोमिक नवाज का और किसी का नुकसान नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान साहब को ये रास्ते से हटाते भी हैं पोलिटिकली और डिसकॉलीफिकेशन जो भी एक प्रोसेस है जिसका कोई इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा एक लंबा लेंथी प्रोसेस है फौरी तौर पर इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा और अभी क्योंकि इस वक्त जो प्रेशर है मुस्लिम लीग नवाज़ जो प्रेशर डाल रही है वो सारे का सारा ये डाल रही है कि किसी भी तरीके से जी कि आप ये करें एक प्रेशर के आप इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए वो कहते हैं हमारे तो बाजू बने तो बाजू बने हमारी साथ दें हमारे हमें सपोर्ट करें वो ये किससे मांग रहे हैं ये सारी की सारी आ, जो है सपोर्ट किससे मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से मिलिट्री लीडरशिप से और इस वक्त बाकायदा तौर पर खुलकर सामने आ चुके हैं वो इस मामले में आ, कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहे हैं दलाल चौधरी साहब मैदान में आ चुके हैं सब आ चुके हैं और वो अब कह रहे हैं कि क्योंकि हमें आ, रास्ते से हमारे लिए मुश्किल जो पैदा की वो की थी जैन बाजवा साहब ने जैन फैज साहब ने इसलिए अब हमारी हुकूमत आ गई है अब हम मुकम्मल तौर पर वास्तवें आ रहे हैं तो लिहाजा अब और अगली बात यह है कि शबाज शरीफ साहब ने शबाज शरीफ साहब और जो उनके उनका ग्रुप है वो इन बातों में पेश पेश नहीं है वो बिल्कुल खामोशी से अपना दूसरा काम कर रहा है वो बिल्कुल पेश पेश नहीं है वो ये बातें नहीं कर रहा ये मरीम साहबा का जो ग्रुप है मरीम साहबा के जो माउथ पीस हैं वो अपन वो कर रहे हैं और बुनियादी तौर पे ये मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इमरान खान साहब को रास्ते से हटाएं और हमारा रास्ता साफ करें और जन बाजवा साहब और जन फैज साहब का नाम ले रहे हैं उन्होंने जो कुछ किया हमारे साथ उसका उनको उनको उनका जो किया धरा है वो मौजूदा जो है वो धोएं ये बात बुनियादी तौर पर वो कर रहे हैं और ये बड़ा ही खतरनाक खेल है खतरनाक गेम है जब मिलिट्री लीडरशिप हमारी फैसला कर चुकी है फाजी पाकिस्तान कि वो ए पोलिटिकल है वो इस तरह के मामला में नहीं आएगी और ना आना चाहती है वो तो अब वो किस चक्कर में ये सारा कुछ कर रहे हैं और क्यों उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं अदालतें मौजूद हैं अदालतों में जाएँ मुकदमा करें और आ, अगर किसी की सजा बनती है तो सजा जरूर मिलेगी नहीं बनती ना नहीं मिलेगी तो इसलिए ये जो टी वी टॉक शोज़ में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एक नया बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है ये बुनियादी तौर पर ये एहसानात ख्वाहिशात मुतालबात जब ये सारी चीज़ें अब पहले एहसानात उसके बाद फिर ख्वाहिशात बयान की गई उसके बाद कहा गया जी ये हमारे मुतालबात हैं अब मुतालबात को धमकियों की शक्ल में वो सामने लेके आ रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं कि जनाब ये उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकता जब तक के उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होगा जब तक के हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है इमरान खान साहब को ना अहल करार दिया जाए और इमरान खान साहब को जेल में डाला जाए और इमरान खान साहब को रास्ते से हटाया जाए सियासी तौर पे पर तो दूसरा रास्ता नहीं कह रहा ना हम शक करने के लिए तैयार हैं इसके बावजूद कि इमरान खान साहब पे हमला हो चुका है कातलाना लेकिन इसके बावजूद जो हम इसका सिर्फ लेते हैं, तो पॉलिटिकली भी ये डिमांड की जा रही है कि ये नहीं हो सकता कि अब एक बाकायदा तौर पे पैकेज बनाए जा रहे हैं कि फल जो है वो फला रहनुमा तीन सौ दिन कैद में रहे फल है वो तीन दिन रहे फलां जो है वो एक सौ नब्बे दिन रहे फलां जो है वो दो सौ इतने दिन कैद में रहे तो सारी कैदियों की फहरिस्तें गिनवाई जा रही है तो हम इतने दिन रहे लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं इनको ये कौन सहूलतें फराम कर रहा है ये पर्चा होता है गिरफ्तार होते हैं दो दिन का रिमांड होता है दो दिन जेल होते हैं छठे दिन वापस आ जाते हैं ये उनको कंपेयर कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि जी हम हम ये हमारे साथ इंसाफ़ नहीं हो रहा क्योंकि इनको भी उसी तरीके से लेकिन एक रिकॉर्ड पे चीज़ लानी चाहिए और वो चीज़ रिकॉर्ड पे ये है कि माजी में आप पिछले फुटज निकाल के देखें कि नवाज शेख साहब तो क्या कभी कोई हथकड़ी लगी क्या मरीम साहिबा को हथकड़ी लगी क्या शहबाज शरीफ साहब को हथकड़ी लगी क्या हमदा शहबाज को कभी हथकड़ी लगी क्या सलमान शहबाज को हथकड़ी लगी किसी को आ, या जो सियासी रहनुमा दीगर हैं उनको हथकड़ियाँ लगी आ, जो आ, आते थे आ, आ, ट्रायल के बग, ट्रायल से पहले भी और ट्रायल के बाद भी किसी को कोई हथकड़ी नहीं लगी और क्या किसी को किसी के मुंह पे कपड़े डाले गए क्या किसी को घुमाया फिराया गया क्या किसी के साथ इस तरीके से तशद्द किया गया जो इस वक्त हमें मनाजर नजर आ रहे हैं माजी में अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो वो भी गलत है और इस वक्त जो इस वक्त जो ज्यादती है ये तो ज्यादतियों के भी माँ है जो इस वक्त हो रही है तो ये तो बिल्कुल ही गलत है तो मसला ये है कि ये माजी की तस्वीरें पैकेजेस बना के तस्वीरें दिखा के लेकिन ज़मीन आसमान का फर्क है माजी में कोई भी मुकदमा दहशत गर्दी का नहीं था तो ही ने मजहब

रहनुमाओं के साथ उन्हीं सहूलतकारों तो के साथ तो बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के सारे ये मामला तय किए गए थे आपके नुमाइंदों ने तय की थी वन शहबाज शीफ साहब भी थे बाकी जितने भी नुमाइंदे वो रिकॉर्ड पे सारे ला चुके हैं काबीना में आधी से ज्यादा काबीना इस वक्त इस बात की गवाह है कि ये सारे मामला तो खुद तय किए थे इन्हीं सहूलतकारों को जिनको आज कहा जा रहा है तो ये इमरान खान के सहूलतकार थे अट्ठाईस नवंबर तक जनम फैज और जनम बाजवा तो मामलात भी तो इन्हीं के साथ मिलकर तय किए थे सारे जम बाजवा साहब खासतौर पर क्योंकि फैज साहब तो जब फैज तो हट चुके थे तो बाजवा साहब तो मौजूद थे तो ये सारी डीलें शें जो हुई तो ये तो एक फैक्ट है लेकिन अब जो लग रहा है जो लग रहा है वो ये है कि चूंकि चीज़ें बेकाबू होती जा रही हैं और बेकाबू होने की वजह से जो खास पर हुक्मरान इतहाद और मुस्लिम लीग नवाज से क्योंकि नुकसान इस वक्त जो इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो तो मुस्लिम लीग नवाज का हुआ है और शरीफ फैमिली का हुआ है मुस्लिम लीग नवाज अंदर से भी टूट रही है फैमिली में भी दराड़े हैं मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जमात में भी दराड़े हैं दो ग्रुप वाजी तौर पर हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है एक मरीम साहबा का ग्रुप है इन दोनों की लड़ाई की वजह से तीसरा ग्रुप भी मंजर आम पर आ गया है कि जो ना इनका है ना इनका है वो कहते हैं आए फिर हम आपस में मिलके गेम करते हैं तो ये हो रहा है और ऐसे लग रहा है ऐसे लग रहा है कि ये जो एक नया बयानिया तरतीब दिया जा रहा है एक तवातुर के साथ तो कोई बीद नहीं कोई बीद नहीं के जैन बाजवा साहब के खिलाफ मौजूदा हुकूमत ही मौजूदा हुकूमत और नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर ही बाजवा साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी जाए और ये जो इस वक्त सारी चीज़ें आ रही हैं इसमें ये उसी तरफ जा रही हैं क्योंकि एक उसके दो तीन फ़ायदे होंगे एक तो वो अपने जो दुश्मन से फ़ायदा उठाए दुश्मन से इंतकाम लेंगे और एक तीर में तीन चार शिकार करेंगे और दूसरा इससे एक और फ़ायदा होगा और वो होगा सारी सूरत हाल डाइवर्ट हो जाएगी पॉलिटिकल से हटके एक ये एक नया जैसे जन जन परवेज मुशरफ साहब के खिलाफ ट्रायल शुरू किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में नहीं किया था नवाज शरीफ साहब जैसे ही आए उन्होंने वो ट्रायल शुरू कर दिया था और फिर उसको परसू भी किया और फिर उनको सजाए मौत तक उनका सजाए मौत जब तक हो नहीं गई फैसला नहीं सुना दिया गया उस वक्त तक वो उसका पीछा करते रहे तो ये एक फैक्ट है इसलिए अब ये सारे कजिये से निकलने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है जी जिसकी तरफ ये बढ़ सकते हैं और इससे वो एक फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे उसमें जम बाजवा साहब जम फैज़ साहब और उनके साथ वो क्लब करेंगे इमरान खान साहब को ये देखना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका साथ देती है या नहीं देती इजाज़त दीजिए दे अल्लाह हाफिज़